Hello students, I welcome you all to MSS English classes and here is the chapter 1 of prose for 12th class UP board students and the title of the chapter is A Girl with a Basket. So, यहाँ पे मैं आपको explain करूँगी इस chapter को और इस chapter को हम parts में पढ़ेंगे. So, the writer of this chapter is William C. Douglas. तो थोड़ा writer के बारे में पहले जान लेते हैं कि writer जो William C. Douglas हैं वो एक American writer थे और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ये अमेरिका की रहे हैं. जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद था. जो भी एशियन कंट्रीज हैं उनको उनमें ये ट्रैवल करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा पसंद था इन्हें इंडिया की यात्रा करना, चाहते थे इंडिया आना. तो ये 1950 में इंडिया आए थे और यहाँ के लोगों से मिले थे और यहाँ के लोगों से मिलने के बाद जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर अ गर्ल विद अ बास्केट में. जैसा कि हम देख पा रहे हैं चैप्टर का टाइटल है टोकरी वाली एक लड़की. तो यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारे बच्चे स्टेशन पर जब वो उतरते थे तो बहुत सारे बच्चों ने एक बार उन्हें घेर लिया और उन्हीं बच्चों में से एक लड़की थी जिसने राइटर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. एक छोटी सी 9 साल की बच्ची थी तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर यहाँ पे बता रहे हैं. पहले बता रहे हैं कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे, किस किस से मिले, क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या चीज़ें उन्हें इंडिया की पसंद आई और किसने सबसे ज़्यादा उनको इम्प्रेस किया. तो ये सारी बातें उन्होंने उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको ये सारी बातें बताई थी. तो चैप्टर में पूरा एक लड़की जो एक 9 साल की बच्ची है उसी के सराउंड ये है. लेकिन पहले राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से कैसे यात्रा की और कहाँ कहाँ चले. तो लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हिमालय के लिए रवाना हो गया था यानी कि नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो गया. तो लेफ्ट मीन्स नई दिल्ली को छोड़ दिया और हिमालय के लिए चल दिया. तो वो कह रहे हैं कि मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से रवाना हुआ. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत. तो वो कह रहे हैं कि मैं एज फार एज बरेली, जैसा कि उन्हें पहले ही डेफिनेट था कि एक डेफिनेट प्लेस पे जाना है, उन्हें पता था कि मुझे पहले बरेली जाना है. तो वो कह रहे हैं मैं पहले बरेली जा रहा था बाय ट्रेन यानी कि ट्रेन से. तो इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे ट्रेन से तो बरेली तक तो ट्रेन से जाना था एंड बाय कार टू रानीखेत और रानीखेत तक कार से जाना था. अब रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन द 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. तो रानीखेत मीन्स रानीखेत जो है वो एक पुरानी ब्रिटिश की अंग्रेजों की बनाई हुई, अंग्रेजों के समय की, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन था तो उस समय अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनकी ये छावनी होती थी आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक हिल स्टेशन पर थी. आर्मी हिल स्टेशन यानी कि अंग्रेजों के सैनिकों की छावनी इसको हम बोलेंगे, जो लोकेटेड थी, जो सिचुएटेड थी, स्थित थी ये हिल स्टेशन, मतलब ये छावनी कहाँ स्थित थी? ऑन अ 6,000 फुट रिज यानी कि 6,000 फुट की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसको रिज बोलते हैं. और वो किसके सामने थी? अपोजिट का मीन से यहाँ पे सामने, तो किसके सामने थी? 120 मील में फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत, जो 120 मील में फैला हुआ हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी जिसकी, तो उसके सामने 6,000 फुट की जो पर्वतमाला है, जो पर्वत की चोटी है 6,000 फुट ऊंची, उस पर ये पहाड़ी स्थित थी और ये अंग्रेजों की छावनी कहलाती थी, अंग्रेजी सैनिकों की. तो उसका नाम रखा था रानीखेत. तो वो कह रहे हैं रानीखेत तक मुझे कार से जाना था और बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था. आगे वो कह रहे हैं द ट्रेन वॉज स्लो. आगे वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेन कैसी थी. वो कह रहे हैं ट्रेन बहुत धीमी थी, मतलब धीमी चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये सभी स्टेशंस पर रुकती थी. इट मीन्स पैसेंजर ट्रेन थी और सभी स्टेशन पर पैसेंजर को उतारती थी. एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. फिर वो आगे बता रहे हैं कि एट द एवरी स्टॉप की हर स्टॉप पर जब भी ट्रेन रुकती थी आई स्वंग ओपन. स्वंग मीन्स टू पुल ओपन, इट मीन्स खींच के खोलना,
और दरवाजे पर झूलना। तो राइटर क्या करते थे, जब अपने कंपार्टमेंट से जब इस ट्रेन रुकती थी तो अपने कंपार्टमेंट यानी कि जो डिब्बा होता है ट्रेन का जिसमें वो बैठते थे, तो उस कंपार्टमेंट के का जो दरवाजा था, जो डोर था, उसे वो झूल कर खोलते थे एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतर जाते थे। जैसा कि आप बचपन में करते होंगे दरवाजे पर झूल के और दरवाजे को खोलना, तो इसी तरह से राइटर भी इंजॉय करते थे और प्लेटफॉर्म पर उतरते थे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किन किन लोगों को देखा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सभी धर्मों के लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्लेटफॉर्म भरा हुआ था लोगों से, वहाँ पे सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सोल्जर्स सैनिक भी थे, मर्चेंट्स व्यापारी भी थे, प्रिस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स जो फेरी वाले होते हैं सामान बेचने वाले वो भी थे, और सबको देखा। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, और उन्होंने क्या देखा विशेष बात कि लगभग सभी व्यक्ति बेयर फुट थे, नंगे पैर थे। इट मीन्स 1950 में आए थे और तभी हमारा देश आजाद हुआ था, तो लोग बहुत ही गरीब थे। तो ये लाइन जो है वो राइटर यहाँ पे इसको बताना चाह रहे हैं कि लोग जो है नंगे पैर थे मोस्टली, एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, व्हाइट कलर के ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं एटलीस्ट कम से कम तीन लोगों से पूछता, बात करता, बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मुझे मिलता वन एक ऐसा व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। इट मीन्स राइटर अमेरिकन थे और उनको हिंदी नहीं आती थी, तो इसलिए वो कम से कम बता रहे हैं कि मैं कम से कम तीन लोगों से बात करता, तब जाके मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल पाता जिसे इंग्लिश बोलना आता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। फिर वो बता रहे हैं कि जब वो उस व्यक्ति से, ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाता था जो इंग्लिश बोल सकता था, तो फिर वो कैसी बातें करते थे। तो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों के बारे में बात करते थे, और हर उस मेजर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते थे जो न्यूज ऑफ द डे, यानी कि जो उस दिन की जो न्यूज होती थी, जो मेन जो समाचार होता था उस दिन का, जो प्रोड्यूस जो उस दिन का मुख्य समाचार प्रोड्यूस्ड इन मीन्स निकल के आ रहा है कि आज की ये मेन खबर है, तो उस टॉपिक पर भी, उस समाचार पर भी हम डिस्कस करते थे, और वो मेजर टॉपिक होता था हमारे लिए। इन दिस वे, और इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा था टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स मीन्स नब्ज टटोलने की, टू चेक द ओपिनियन इट मीन्स जानने की कोशिश कर रहा था, टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों के विचार जानने की कोशिश कर रहा था। नेशन, नेशन मीन्स इंडिया, इंडिया के लोगों की, यानी कि राष्ट्र के लोगों की, लोगों के क्या विचार हैं अपने देश के बारे में, वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, है ना, वहाँ की जो कार्यशैली उसके बारे में। तो वो बता रहे हैं कि ऑफिशियल एटीट्यूड, जो सरकारी, ऑफिशियल मीन्स गवर्नमेंट, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, तो जो सरकारी दृष्टिकोण था, और रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स मीन्स आंकड़े, यानी कि जो दी गई सूचनाएं होती हैं उनको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो सरकारी दृष्टिकोण और जो दी गई सूचनाएं हैं उनके, उनसे तुलना करके, चेकिंग ओपिनियन यानी कि सरकारी दृष्टिकोण का और दी गई सूचनाओं का आकलन करके, उनसे तुलना करके, उनको चेक करके, उनके उनके ओपिनियन को, है ना, उनके ओपिनियन को चेक करके, उनसे तुलना करके, मैं जनता के विचारों को, यानी कि नेशन, हम यहाँ पे जनता, जो राष्ट्र की जनता है, उसके विचारों को जानने की कोशिश कर रहा था। इट मीन्स राइटर कहना चाह रहे हैं कि पहले वो जनता के विचारों को जान रहे थे, फिर ऑफिशियल जो एटीट्यूड, जो वहाँ की न्यूज़ है, जो मेन टॉप आंकड़े हैं जो न्यूज़पेपर से निकल के आ रहे हैं, फिर उनसे तुलना करके, और तब वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या लोग जो वहाँ की गवर्नमेंट है उससे कितने सेटिस्फाई हैं, और उनके क्या विचार हैं, गवर्नमेंट जो कह रही है क्या वो सही है, जो न्यूज़ में आ रहा है क्या वो लोग उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ये सब जानने की कोशिश वो कर रहे थे। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।